एक गांव जिसका नाम राजनपुर था, वहां के लोगों में एक बुराई थी कि वो किसी भी धोखे में बहुत जल्दी आ जाते थे। कभी कोई पीर फकीर बनकर उनको लूट जाता और कभी कोई ट्रैवल एजेंट बनकर। एक दफा इस गांव की खबर एक ठग ने टीवी पर देखी और उसने इस गांव वालों को लूटने का एक प्लान बनाया। वो बहुत बड़ा मैकेनिक था। उसने घर बैठकर एक रोबोट तैयार किया जो बिल्कुल भैंस जैसा दिखता था। फिर उसने अपने दोस्त को उसमें बिठाया और राजनपुर जा पहुंचा। गांव में जाकर, आओ भाई, आओ अपना पैसा डबल करवाओ, 500 का 1000, 500 का 1000। ये देख के थोड़ी देर में वहां मजमा लग गया। उसने लोगों को बताया कि एक जादुई भैंस है ये, और इसके मुंह में जितने पैसे डालोगे उनको डबल करके आपको वापस दे देगी। एक बच्चे ने 10 रुपए भैंस के मुंह में डाले। अंदर से उसके दोस्त ने 20 रुपए बाहर निकाल दिए। ये देख के सारे गांव वाले हैरान रह गए, क्योंकि सारा का सारा गांव जो है वो काम चोरों का गांव था, और सबको रातों रात अमीर होने का शौक था। इसीलिए बात फौरन सारे गांव में फैल गई। सब डबल करवाने के लिए अपना पैसा लाने लगे। जब पैसा भी ज्यादा आना शुरू हो गया तो ठग ने लोगों से कहा, अरे भाई सुनो, मेरी भैंस छोटी सी है और तुम लोग इतना ज्यादा पैसा ले आए हो। ऐसा करो, अपना पैसा ना मेरे पास छोड़ के चले जाओ। भैंस जब पैसा डबल कर देगी तो आके ले जाना, दिक्कत ही क्या है। और ये कहकर वो सब लालची लोग उसकी बातों में आ गए। और तो और उनको उसकी बातों पर शक भी नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने खुद अपनी आंखों से पैसा डबल होते हुए देखा था भाई। एक दिन ये खबर साथ वाले गांव में एक आरे के मालिक के पास पहुंची। वो सेठ बहुत शैतान शख्स था। लोगों को ब्याज पर पैसा देता और फिर ब्याज ना दे पाने पे उन पे ज्यादा जुल्म करता। वो अपने पैसे को भगवान की तरह पूजता था। ये खबर सुनकर उसने अपनी सारी दौलत ली और ठग के पास जा पहुंचा। अरे भाई, सुना है तुम्हारी भैंस पैसा डबल करती है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अच्छा तो मैं तुम्हें इसका क्या फायदा होगा, मेरा पूछने का मतलब ये है। अरे भैया, मेरे पास ऊपर वाले का दिया सब कुछ है। मैं ये सब समाज सेवा के लिए करता आया हूँ बहुत टाइम से, किसी से एक रुपया भी नहीं लेता सच्ची। ये तो बहुत भला इंसान है। अच्छा ये लो मेरा पैसा, इसके डबल कर दो। कोई मसला नहीं जनाब, आप 2 दिन बाद आके अपना सारा पैसा ले जाना है। सेठ ने अपना सारा पैसा ठग को दे दिया और वहां से चला गया। रात होते ही उसका दोस्त भैंस में से निकले हुए सारे पैसे को ट्रक में लोड किए और गांव से उड़न छू हो लिए। सुबह जब गांव वालों को ये बात पता चली तो पूरे गांव में मातम का माहौल था। और जब उस सेठ को ये खबर मिली तो वो ये सदमा ना सह सका और उसे हार्ट अटैक हो गया और वो मर गया। दोस्तों हमेशा याद रखो, लालच बहुत बुरी बला है और कामचोर लोग सारी जिंदगी ऐसे ही नुकसान उठाते रहते हैं, इसीलिए मेहनत करो। अगर आपको ये कहानी वाकई में अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए।